बनना। सो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों को मेरी जो हेयर केयर की टिप्स होती हैं, हेयर केयर के वीडियोस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए लाई हूँ हेयर केयर के ऊपर वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो है सफ़ेद बालों यानी व्हाइट हेयर के ऊपर होगा। सो अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को छोटी उम्र में ही सफ़ेद बालों की यानी व्हाइट हेयर या तो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही सिंपल और आसान वीडियो है, सारी चीज़ें आपको घर में आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं ये होम रेमेडी कैसे बनाना है, साथ ही साथ आपको इसे कैसे यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है 1 टेबलस्पून जितना दही यानी योगर्ट। अगर आपके बाल मीडियम है तो आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून लीजिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना दही ले सकते हो। दही हमारे बालों को नेचुरली कंडीशनर करता है, इससे अगर आपके बाल ड्राई हैं, रूखे हैं या तो बेजान है तो फिर से आपके बालों को स्मूथ बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। साथ ही साथ दही हमारे बालों में जो रूसी होती है उसको भी दूर करता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस यानी नींबू का रस। लेमन जूस में विटामिन बी, विटामिन सी, फॉस्फोरस जैसे नरिशमेंट होते हैं जो हमारे बालों को फिर से हेल्दी बनाते हैं। साथ ही साथ लेमन हमारे ग्रे हेयर और वाइट हेयर को फिर से ब्लैक बनाने में मदद करता है और हमारे बालों की जो जड़ें होती है उसको भी मजबूत करता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना कोकोनट ऑयल ऐड करना है। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, हेल्दी बनाता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल पतले हैं या तो आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है तो आपके बालों को फिर से घना करता है। तो ये 3 चीज़ों को ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो हेयर पैक है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हेयर पैक को आपको कैसे अप्लाई करना है, साथ ही साथ इसके क्या क्या फायदे हैं। तो जैसे आपने देखा कि ये बनाना बहुत ही आसान है, तो आपको इसे सिर्फ अपने बालों में यानी स्कैल्प पर लगाना है और आपके पूरे बालों में लगाने के बाद आपको इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और जब ये सूख जाए तब आपको कोई हर्बल शैम्पू से या तो आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो उससे आपको बालों को वॉश कर लेना है। इसे आपको वीक में 2 बार यूज़ करना है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल बिल्कुल भी नहीं है, एक्का दुक्का बाल है सफ़ेद, तो मैं महीने में 1 बार ये होम रेमेडी को यूज़ कर लेती हूँ। ये होम रेमेडी से हमारे जो ग्रे हेयर होते हैं, वाइट हेयर होते हैं, वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं, क्योंकि जो हमारे सफ़ेद बाल होते हैं, वाइट हेयर होते हैं, वो रातों रात ब्लैक नहीं हो जाते हैं, उसको फिर से ब्लैक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको इसे वीक में 2 बार यूज़ करना पड़ेगा और इसे मेन वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। ये होम रेमेडी से हमारे बाल तो सफ़ेद होंगे ही, साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो गए या तो आपके बाल ड्राई हो गए हैं तो ये आपके बालों को सिल्की और शाइनी भी बनाएगा। तो आप ये होम रेमेडी को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। और अगर आपने ये होम रेमेडी ट्राई की है तो आपका फीडबैक मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलना। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो आप सबको पता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक